चलिए दोस्तों, आज की पहली टिप हमारी इस तरह ये ज्वेलरी से है। ये देखिए, जब भी हम पहनते हैं ये मांग टीका, तो हमारा इस तरह ये हिलता डुलता रहता है, एक जगह नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डबल टेप लेंगे, ये देखिए इस तरह, और इसे हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह हम थोड़ा सा काट लेंगे, ये देखिए इतना इसे निकाल देंगे। ये देखिए जहाँ भी, ये देखिए इसे हम बीच में इस तरह लगा लेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम ये देखिए मांग टीका लगाएंगे, तो ये एक जगह चिपक जाएगा इससे। ये देखिए इस तरह हिलेगा नहीं और अच्छे से ये, तो ये देखिए इस तरह एक जगह लगा रहेगा, हिलेगा नहीं बिल्कुल, माथे से इधर उधर नहीं होगा। ये देखिए कितना भी हिलाएंगे आप, ये निकलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। अगला टिप हमारा दोस्तों इस तरह माला से है कि जब भी हम पहनते हैं तो ये हमारे पीछे बाल इसमें उलझ जाते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वो पहनना भी ज़रूरी है, तो इसके लिए हम बहुत ही अच्छी टिप बताते हैं आपको। ये देखिए टेप लेंगे इस तरह से, ऐसे हम कट कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखिए इस तरह, उसके बाद हम इस तरह लगाएंगे। ये देखिए ये पिन जो है, इस तरह हम लगा देंगे फंसा के इसमें। ये देखिए इस तरह फंस गया। उसके बाद टेप लेंगे और इस तरह इस पर लपेट देंगे। ये देखिए इस तरह चिपका देंगे, तो इससे हमारे बाल बिल्कुल नहीं फंसेंगे। अब अगला टिप हमारा है दोस्तों इस तरह ये कॉफ़ी वाले मग से है, जो कि हमारे इस तरह ये टूट जाते हैं तो हम इन्हें फेंक देते हैं, तो फेंके बिल्कुल ना। इसे हम और भी किचन में यूज में ला सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक सॉक्स लेंगे इस तरह ये। ये देखिए हमने ये पुराना ख़राब सॉक्स ले लिया है, तो हम नाप लेंगे, ये जितना इसका होगा नाप उतना हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह कैंची से काट लेंगे इसको, ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह हमने काट लिया है। अब हम इसके ऊपर ये चढ़ा देंगे, ये देखिए इस तरह, ये देखिए। और इसका जो ज़्यादा है वो अंदर इससे ऐसे कर देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह हमने इसे बना लिया है, ये देखिए इस तरह अच्छे से ये बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए ये हमने पेंसिल वाले फूल लिए हैं जो पेंसिल से बनते हैं, थोड़ा सा इन्हें हम लगा देंगे तो और भी सुंदर लगेंगे। ये देखिए इसके लिए थोड़ा सा फेविकोल लेंगे, ये देखिए इस तरह ये हम चिपका देंगे। बहुत अच्छे से ये चिपक जाएंगे, ये देखिए इस तरह। इस तरह लगा देंगे हम, तो ये देखिए हमने इस तरह ये डेकोरेट कर लिया है। ये देखिए कुछ हमारे पास मोती और ये फूल रखे थे, तो इस तरह हमने ये लगा दिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी आप पेंसिल रख सकते हैं, पेन रख सकते हैं, या अपने किचन में इस तरह ये कांटा और चम्मच रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह, तो जब भी मग टूटे इसे फेंके ना, और आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर बनके तैयार हो चुका है ये। नहीं तो देखिए इस तरह आप इसमें फूल भी रख सकते हैं, एक छोटा सा ये फ्लावर पॉट बन जाएगा। ये देखिए इस तरह बहुत ही सुंदर बन के तैयार होगा, ये देखिए इस तरह। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।